साथ मध्य प्रदेश पीएससी 2021 अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 87% सीटों के लिए परिणाम जारी हुए हैं। टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार, फिर सुन लो, टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। डेप्यूटी कलेक्टर के 24 में से 12 पदों पर महिलाओं का कब्जा। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेंडिंग केस की वजह से 13% रिजल्ट फिलहाल रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। डेप्यूटी कलेक्टर के 24, डीएसपी के 13 पदों पर सिलेक्शन को लेकर ये पूरी प्रक्रिया हुई और एसडीएम के 24, डीएसपी के 13 पद। एमपीपीएससी टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार। 87% सीटों का परिणाम जारी हो गया है। डेप्यूटी कलेक्टर के 24 में से 12 पदों पर महिलाओं का कब्जा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल कोर्ट में पेंडिंग केस को जो केस है वो पेंडिंग है और यही वजह है कि 13% रिजल्ट फिलहाल रोका गया है। ऐलान किया गया है 87% का, 87-13 मिला लीजिए तो ये 100% रिजल्ट हो जाता है, लेकिन इसे फिलहाल रोका गया है। ओबीसी आरक्षण का मामला अभी अदालत में अटका हुआ है। एमपीपीएससी में कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। डेप्यूटी कलेक्टर के 24, डीएसपी के 13 पदों पर सिलेक्शन। सत्यासी परसेंट सीटों के परिणाम जारी हो गए हैं, लेकिन मार्के की बात यह कि डेप्यूटी कलेक्टर के जो पद हैं 24 में से 12 पदों पर महिलाओं का कब्जा।